अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियन शलवार की स्टिचिंग। कटिंग आपने पिछली वीडियो में देख ली है, जिन्होंने नहीं देखी वो पहले कटिंग देखें फिर आकर स्टिचिंग देखें। स्टिचिंग भी बहुत आसान है, कटिंग के थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन वो उम्मीद है कि आपने सीख ली होगी। करते हैं इसकी स्टिचिंग, चलते हैं मशीन पर। सबसे पहले आपने आसन की सिलाई लगा लेनी है, मैं भी लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चोनट्स आपने कैसे बनानी है। ये देखिए जी, ये मैंने इसकी आसन की सिलाई लगा ली है। इसकी एक पांचे का जो घेर है ये आपको नजर आ रहा होगा, एक टांग इसकी ये इतनी बड़ी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें कपड़ा बहुत यूज होता है, अगर कम भर है तो दो शलवारों का कपड़ा यानी 5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, अगर भर ज्यादा है तो 2.5-3 गज बहुत है। अब इसकी जो हमने चुनर्स डालनी है, चुनर्स डालने के लिए आपने बैक साइड से 7 इंच का एक निशान लगाना है। दरमियान मतलब सिलाई से 3.5 इधर कर लें और 3.5 इधर कर लें, 7 इंच का ये निशान पड़े। अब यहाँ से लेके आपने अगली आसन तक इतनी छोटी और इतनी कंजेस्टेड चुनट्स डालनी है, कम से कम आपका एक फिंगर के बराबर होना चाहिए, कम से कम पौने एक इंच की आपकी एक चुनट होनी चाहिए और हर चुनट एक दूसरी चुनट्स के नीचे आनी चाहिए। और ये इतनी मतलब आपने ध्यान से ये डालनी है ना चुनट्स कि आपका बेल्ट का साइज पूरा हो, और ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड पड़ेंगी तो आपकी फॉल भी अच्छी आएगी इस तरह से। तो चलते हैं मशीन पर और फिर मैं आपको बताती हूँ ये आपने किस तरह से डालनी है। पीछे से आपने 7 या 8 इंच, जो हेल्दी लोग हैं वो रख लें 9 इंच का साइज रख लें या 8 इंच का रख लें, वैसे 7-8 इनफ होता है। ये जो हमने 7 इंच का निशान लगाया है बैक साइड से चुनट्स सारी आएंगी, मतलब लेफ्ट राइट वाली चुनट्स भी सारी एक ही तरफ आएंगी और जो राइट वाली हैं वो भी सारी एक ही तरफ आएंगी। दोनों साइडों का जो रुख है वो आगे की तरफ होना चाहिए। ये देखें जी, चुनट्स डल चुकी हैं। अच्छा, इन चुनट्स को डालने के लिए ना प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है। अगर आपको चुनट्स डालने के बाद थोड़ा सा फील हो रहा है कि आपका जो बेल्ट है वो पूरा नहीं हो रहा, तो आपने बैक से ही चुनट्स को खोलना है। जैसे कि ये मैंने भी खोली हैं, 2-3 चुनट्स खोली हैं, आपने भी हमेशा बैक से ही खोलना है, फ्रंट से आपने कोई भी चुनट कम नहीं करनी है। लेकिन आपने पहले ही एडजस्टमेंट रखनी है कि आपकी चुनट्स बराबर आएँ, और इसमें जितना बड़ा घेर होगा चुनट्स उतनी ज़्यादा आएंगी, जितनी ज़्यादा चुनट्स उतनी ज़्यादा अच्छी फॉल। अभी ये हमारा तो आ चुका है बराबर और ये इतनी भी खुले घेर में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी फॉल आ जाएगी। तो अब इसके साथ मैं जोड़ती हूँ बेल्ट। शलवार आपने सीधी रखी है, बेल्ट को आप उल्टा ही रहने दें। आप इसको ऐसे कर लें कि यहाँ से अंदर से इसके घुमाएँ शलवार को, तो आपके लिए इजीली हो जाएगा काम। ये जो आसन की दरमियान की सिलाई है ना फ्रंट वाली, आपने इधर से स्टार्ट लेना है और इस सिलाई को इसके साथ अटैच करना है और राउंड में सिलाई लगानी है। सिंपल 2 इंच का मैंने पांचा बुकरम पे कट किया और इसको पेस्ट कर लिया, क्योंकि मैंने बीच में ही कपड़ा रखा था। इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके अच्छी तरह से इस्त्री की है। ये जो एक सिलाई एक पाँव के दरमियान मतलब गैप के बाद लगाते हैं, ये लगाते हैं ग्रिप के लिए। आप ये वाली सिलाई पहले लगा लिया करें पांचे की, अगर तो आप इस शलवार पे डिज़ाइनिंग वाले पांचे बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन मैंने अभी बनाए हैं बिल्कुल सिंपल, एक सिलाई ऊपर लगा रही हूँ और 3 नीचे लगाऊँगी। दोनों पांचे मैंने रेडी कर लिए हैं, मैंने लगाई हैं 3 सिलाइयाँ नीचे और एक ऊपर। आप पूरा भी भर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। अब इनको जो मतलब इस शलवार को जो आपने दरमियान वाली सिलाई लगानी है बंद करने वाली, उसको भी आपने जिस तरह से कटिंग किया है ना सेम एज इट वैसे ही आपने सिलाई लगानी है। नीचे से जो 3 इंच हमने सीधा रखा था आपने सीधा ही रखना है इसको। इधर से आपने जो आना है ना, मैं बताती हूँ आपको, इस कॉर्नर पे आपने सुई को रखना है, फिर इसको फुल घुमा लें, फिर जिस शेप में आपने कटिंग की है एज इट इसको वैसे ही लेकर चलना है।
यहाँ पे स्टॉप करने के बाद दूसरे पांचे पे भी आपने एज इट वैसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, शलवार हो चुकी है रेडी, जो कि बहुत खूबसूरत बनी है। एक तो ये कपड़ा बहुत मज़े का था, कलर और इसकी जो फॉल्स आई हैं वो भी बहुत खूबसूरत आई हैं। ये जब आप वेयर करेंगी बनाकर तो फिर आपको समझ आएगी कि ये कितनी खूबसूरत लगती है पहने हुए। इसकी यहाँ पे फॉल्स आती हैं, ये जो राउंड है ना, इसका यहाँ पे फॉल्स बनती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके ऊपर आप शॉर्ट फ्रॉक पहन सकते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक पहन सकते हैं और इसके ऊपर छोटी सी कुर्ती पहन सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।